चहचहा रहे हैं और उधर कुछ लगे हुए हैं पानी के लिए, तो मैं जाके चेक कर लेता हूँ उनका पानी ख़त्म तो नहीं हुआ है। एक बार तो उड़ जाएंगे वो, मतलब एक साथ इतने सारे लगे हुए हैं ना पूरे के पूरे ही। चेक कर लेता हूँ पानी है या नहीं है, पानी मतलब कम पड़ गया तो मैं पानी डाल देता हूँ। पक्षी मतलब पता है ना क्या हुआ, मतलब मेरे को है ना ऐसे मैं अंदर आया, गेट के अंदर घुसते ही जोर जोर से करने लगे को 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 ची 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 को को। मैंने कहा ये क्या हो गया, फिर मैंने एकदम से पेड़ों पे जाकर देखा, पेड़ पे देखा तो मतलब वेलकम गया बेचारे, इतने मतलब धूप के अंदर है ना इनको प्यास लगी हुई थी बहुत सारी, तो इनको पता है मेरे अलावा तो कोई पानी डालता नहीं है, तो मेरे को आवाज़ लगाने लगे, जाके देखा तो आधा ही भरा हुआ, फिर उसके अंदर पानी डाला। तो इतने सारे पक्षी एक साथ घेरा बना के 8-10 बैठे और वेटिंग में और बैठे थे, मतलब 8-10 तो उसके अंदर ऑलरेडी बैठे हुए थे जो छिके, और वेटिंग में भी खूब सारे बैठे हुए, तो बेचारे बोलने लगे सारे पेड़ वाले के हम कहाँ पानी पिए, हमारे जो है ही नहीं। तो मैं जाके नाना जी ने डाला था मॉर्निंग में, आज मैं भूल गया था, मेरी बहुत बड़ी गलती हुई है आज, तो मैं अभी डाल के आ गया हूँ, अब जाके मेरे को सुकून मिला है। गाइस आप लोग भी ऐसे धर्म के काम किया करो, धर्म के क्या गर्मी के अंदर, मतलब रियल के अंदर इनका भी मतलब एक जीव होता है, और जीते जी अगर आप कुछ भी नहीं कर पाओ ना भाई, बोलते हैं कि नेक काम करना, तो नेक काम ही होता है पक्षियों को पानी पिलाना, मतलब इस गर्मी के अंदर आप स्पेशली ध्यान रख के, मतलब गर्मी मतलब आप जितना भी कर सको उतना पक्षियों के लिए दाना डालो, पानी की व्यवस्था करो। मैंने यार अपन 2 मिनट पानी नहीं पीते प्यास के अंदर तो कैसा हो जाता है, और स्पेशली जो भी राजस्थान से हो तो जरूरत, क्योंकि राजस्थान में पानी की रियल के अंदर बहुत ज्यादा किल्लत रहती है, बहुत ज्यादा, और इस इलाके में तो ज्यादा ही रहती है। मतलब किसी के ससुराल में तो बहुत ही ज्यादा मतलब पानी की किल्लत रहती है, मेरे ससुराल में प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी, मेरे ससुराल के अंदर तो सब हरा भरा है, ये किसी का ससुराल ही है बहुत बेकार सा, मेरा ससुराल तो ठीक है मतलब हरियाली है उधर, तो पानी की कमी नहीं है हरियाली वहाँ तो। हाँ तो आपका ससुराल ही है ऐसा, मेरा तो नहीं है, मेरा ससुराल तो बहुत प्यारा है, तो अब मैं खाना खाने वाला हूँ। क्या बात, पहले ऐसे इंसान है जो अपने ससुराल की तारीफ कर रहे हैं। हाँ करना भी चाहिए, और खाने के अंदर आज तो स्पेशल आया, दिखा देता हूँ मैं क्या है। और खाने में बनी हुई है आज हमारे कढ़ी, और कढ़ी के साथ में गुड़ भी डाल रखा है, और चाच के साथ मतलब खाने के अंदर तो बहुत ही प्यारा वाला टेस्ट आता है, तो अब मैं कढ़ी के साथ रोटी खाने वाला हूँ, तो आप भी आ जाइए और कढ़ी का आनंद लीजिए, और राजस्थान की देखो बहुत ही प्यारी डिश होती है कढ़ी। फाइनली अभी मैं आ गया हूँ घर पे, और इवनिंग का संध्या का टाइम हो गया है, तो आप पीछे का व्यू भी दिख रहा होगा कैसा, मतलब सनलाइट जाने ही वाली है थोड़ी देर में। और हाँ गाइस, अगर आपको काम मार्बल के रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी हो या कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें बता सकते हैं, तो हमने इसकी जानकारी पूरी सारी जानकारी अपडेट्स मैं मेरे दूसरे चैनल DRD मीडिया कंपनी पे डालता रहता हूं, तो आपने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी मेरा मार्बल के रिगार्डिंग जो काम रहता है मैं सारी अपडेट उसी चैनल के ऊपर डालता रहता हूं। और अभी खुशी लग रहा है खाना बनाने के लिए, तो मैं इधर उधर थोड़ा वो टहल रहा हूं, और नाना जी कर रहे हैं अभी रेस्ट क्या कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा टाइम निकाल के बीड़ी में लगे, वैसे बीड़ी पी लेते हैं, तो जुड़े रहिए और खुशी के पास चलते हैं। और मैं मतलब खुशी का नाम लिया जस्ट, और खुशी हाजिर हो गए, मतलब आपकी उम्र तो बहुत लंबी है, और खुशी भी मेरे को आते ही बोल रहे थे कि मतलब ये लोग तो सोचते हैं कि बिना घूंघट के मतलब चुगलियां करती रहती है खुशी, मतलब कुछ ही नहीं है ऐसा, कुछ भी अपने नहीं है, अपने ससुराल मेंबर के थोड़ी थोड़ी चुगलियां। मैं तो ये बोल रही थी कि मैं इस कमरे में आते ही यहाँ पे बैठ जाना नहीं तो सही है, आप किसी ने बोला था मेरे को कि मैं बिना घूंघट के आई हूँ, तो सही है ना, तो आज के जमाने के अंदर घूंघट कौन करता है भाई, तो कौन से ससुर आपके यहाँ पे, मतलब सास के साथ तो मतलब नहीं करना चाहिए, और सास के माई आपके मम्मी के सामने करते हो क्या घूंघट, नहीं तो ऐसी बातें मेरे को नहीं बोलोगे पक्का बिल्कुल। और जिन्होंने भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो एक बार फिर से बोल देते हैं गाइस हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, और खुशी उसके ऊपर बहुत सारी रीलें बनाती है, और खाना बनाते बनाते तो मतलब बहुत सारी रील बनाती है, जो आपको बहुत ही मतलब अच्छी अच्छी रीलें देखने को मिलेगी,
और कैसा रहा आज का दिन आपका? अच्छा था आज का। अच्छा था हाँ, अब कभी कभार ऐसा थोड़ा कम पेन होता है। अच्छा, पेन कम होता है, चलो अच्छा तो अच्छा लगता है। वैसे तो चेंजमेंट शरीर के अंदर इतने सारे होते हैं ना प्रेगनेंसी में कि बस बता ही नहीं सकते हैं। जो लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं उनको पता चलता है कि कितने सारे मोमेंट शरीर में होते हैं। हर दिन चेंजमेंट होता रहता है, कभी क्या कभी क्या। और अभी खुशी मेरे को पता, खाना तो नहीं बना के आए हैं? क्योंकि यहाँ पे जिस हिसाब से बात, आटा लगा के आ गई हूँ मैं। आटा लगा के आ गया। सब्जी क्या बनाने वाले हो? सब्जी हमारे वैसे जाट फैमिली के अंदर सब्जी हम स्पेशली मार्केट से कम लाते हैं, क्योंकि घरेलू ज्यादा सब्जी यूज करते हैं। रियल के अंदर, गांव के अंदर आप रहते हो? मेरा तो दलिया बना के आई हूँ। तो मतलब गांव के अंदर दही छाछ दूध इतना मिलता है ना, तो मतलब सब्जी लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती सच में। मतलब गाँव गाँव होता है। तो जुड़े रहिए, और मैं फिर खाना खाने के बाद आपके साथ फिर से एक बार मुलाकात करूंगा। तो देखते रहिए। और नानी अब मिर्ची के अंदर, मतलब प्याज के अंदर मिर्ची डाल के चटनी बनाने वाले हैं। देसी जुगाड़ है, मतलब बाटी हुई मिर्च है, पत्थर के ऊपर बाटी हुई मिर्च, और उसके अंदर प्याज, तो प्याज के अंदर मिर्ची डलेगी। थोड़ा सा नमक, और नमक के बाद इसको थोड़ा घी डालो। थोड़ा घी भी डालोगे? तो मिक्सी को निकाली जा रही है, जो भी हमारी यूज नहीं आती तो उसको डब्बे में पैक करके मतलब अच्छे से रख देते हैं। तो अभी हम निकाल रहे हैं इसको और तैयारी कर रहे हैं बनाना चाहिए बनाने की। अरे खुल जाएगा, इसको पूरा यहाँ से पकड़ के हटा लो, इसको घुमाओ जिस साइड में, करो उधर वाले को, करो अभी जार को खींचो ऊपर, खींचो जार को, जार को खींचो पहले, जोर से खींचो, जोर से, और जार इसको ऊपर ऊपर वाले को खींचो पहले, पूरा खुल जाएगा। मिक्सी और दूध निकाल दिया, अब इसमें डालने वाले बनाना। इससे पहले मैं इसको थोड़ा सा वॉश कर देता हूँ, पानी डालो इसमें। शुद्ध देसी मिल्क के अंदर हम बनाने वाले बनाना शेक, तो इसके अंदर डाल देता हूँ दो बनाना। तो बनाना के साथ इसमें थोड़ा सा डाल देते दूध, जो हमने फ्रिज में रख रखा था ठंडा होने के लिए, क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं डालना, बिना पानी का दो 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 का बनाना है। एक साथ हमने डाल दिया दूध, चारों का बना दो, चारों को बना, चारों डाल दो। और काफ़ी टाइम के बाद मतलब आपकी इच्छा हुई है बनाना शेक पीने की? क्योंकि गर्मी बहुत भयंकर है ना उस हिसाब से। तो इसमें डाल देता हूँ मैं शुगर, और इसमें डाल रखी है हमारे शुगर, जिसको मैं डाल देता हूँ दो मुट्ठी चीनी। आपकी अब मुट्ठी लेके कैसे आ रहे हो? खाली तो लेके आ रहे हो? दो मुट्ठी बहुत है, तो ज्यादा मीठा नहीं होना चाहिए। चलो ये एक मुट्ठी और, गाइस कमेंट करके बताएं कि इतनी चीनी खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। मतलब ऐसे चीनी ज्यादा नहीं खानी चाहिए मीठा, और बनाने तो पूरे एक साथ डाल दिए। अब इसको और अब उनको घुमा देते हैं, और फाइनली रेडी हो गई है। और फाइनली हमारा बनाना शेक इज रेडी, और अब हम इसको डाल देते हैं पकौड़े के अंदर। बहुत ही प्यारा वाला टेस्ट रहता है ना बनाना शेक, और घर पे आप बनाते हो तो मतलब एक नेचुरल आपके आंखों के सामने रहता है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, तो थोड़ा सा और बना देते हैं। और फाइनली हमने और खुशी ने दोनों ने मिलके बनाना शेक रेडी कर लिया है। तो मतलब मेहनत करके बनाना शेक बनाया है, तो उसको पीने में बहुत ही आनंद आने वाला है। तो हम थोड़ा सा अपने रूम के अंदर जाएंगे, थोड़ा सा क्या, हम पूरे रूम के अंदर जाएंगे और वहाँ पर अच्छे से मतलब बैठ के फिर पीने वाले हैं। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, ब्लॉग के ऊपर कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको हमारा ब्लॉग्स
अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और ब्लॉग पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आपका ढेर सारा प्यार भी हमें दिखाते रहिए, हम और आपके साथ हमारी लाइफ के बहुत सारे मोमेंट शेयर करते रहेंगे। और इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर समाप्त, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।